दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 1980 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म बर्निंग ट्रेन की रीमेक के बारे में। इस फैन मेड वीडियो का सुझाव हमें हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने दिए हैं। क्या होगा अगर सुपरहिट फिल्म बर्निंग ट्रेन की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो कौन होंगे वो कलाकार जो इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। इन सभी बातों और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा। फिल्म बर्निंग ट्रेन को डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बीआर चोपड़ा ने। बीआर फिल्म्स के बैनर के अंडर फिल्म की कहानी लिखी थी रवि चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी 1975 की जापानीज डिजास्टर मूवी द बुलेट ट्रेन से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने। इस फिल्म के कई गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि फिल्म के आलोचकों ने ये सोचा था कि ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी। इसके पीछे की वजह ये थी कि इस फिल्म में सब कुछ परफेक्ट था। एक बड़ी स्टार कास्ट, एक कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर और एक इंटरेस्टिंग प्लॉट जो बॉलीवुड में पहली बार एक्सपेरिमेंट होने वाली थी। दोस्तों इस फिल्म की स्टार कास्ट काफी बड़ी है और इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे धर्मेंद्र अशोक के किरदार में, विनोद खन्ना विनोद के किरदार में, जितेंद्र रवि के किरदार में, हेमा मालिनी सीमा के किरदार में, परवीन बाबी शीतल के किरदार में, नीतू सिंह मधु के किरदार में, डैनी डेंजोम्पा रणधीर के किरदार में, विनोद मेहरा राकेश के किरदार में। फिल्म द बर्निंग ट्रेन की कहानी है एक इंडियन रेलवे की कर्मचारी की जिसका सपना है भारत का सबसे तेज ट्रेन बनाने की। कई साल बाद उसका सपना पूरा होता है जब रेलवे बोर्ड उसका बनाया हुआ सुपर एक्सप्रेस का प्रोटोटाइप पास करता है और सुपर एक्सप्रेस पर काम शुरू हो जाता है जिसके वजह से उसकी निजी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन इन सभी के बीच उसके दो दोस्त अशोक और राकेश उसका साथ देते हैं। लेकिन विनोद के ऑफिस का एक प्रतिद्वंदी कर्मचारी रणधीर विनोद से काफी नफरत करता है और विनोद को हराना चाहता है। रणधीर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बेटा है। वो सुपर एक्सप्रेस के पहले सफर को विनाशकारी बनाना चाहता है और उस ट्रेन में एक बॉम्ब फिट कर देता है। फिल्म के अंत में विनोद और उसके साथी उस ट्रेन के यात्रियों को बचाते हैं और रणधीर को अपने किए की सजा मिलती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इस फिल्म को खत्म होने में 5 साल लगे थे। साथ ही इस फिल्म पर हॉलीवुड के एक VFX टीम ने भी काम किया था। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान इंडियन रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ जिसे फिल्म के मेकर्स ने भरने से इनकार कर दिया। तो ये थे इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों हम ये मानते हैं कि अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस फिल्म में विनोद का किरदार निभाएंगे अजय देवगन जो इस इंटेंस रोल को बखूबी से निभाएंगे। वहीं अशोक का किरदार निभा सकते हैं अक्षय कुमार जो इस किरदार के लिए सही पसंद होंगे और रवि का किरदार निभा सकते हैं रणवीर सिंह जो इस एक्शन पैक्ड फिल्म में एक तूफान लाएंगे। शीतल का किरदार निभा सकती है काजोल जो इस किरदार को बखूबी से निभाएगी। सीमा का किरदार निभा सकती है चुलबुली सोनाक्षी सिन्हा। मधु का किरदार निभा सकती है बिंदास आलिया भट्ट। रणधीर जो इस फिल्म का खलनायक है इस किरदार को निभा सकते हैं के मेनन जो एक कमाल के अभिनेता है। ये सभी एक्टर्स आज के दौर में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। फिल्म की कहानी को आज के जमाने से मेल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है। साथ ही इस फिल्म में ढेर सारे VFX की मदद ली जा सकती है। दोस्तों इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के कुछ गाने के रीमिक्स को भी सुना जा सकता है। आपका लगता है दोस्तों क्या इस फिल्म की रीमेक हिट होगी या फ्लॉप और आने वाले वीडियोस में आप किस फिल्म की रीमेक या सीक्वल देखना पसंद करेंगे। आपके विचार और सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों इसके अलावा भी UR Bollywood के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो YouTube समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।